सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ MI के ईयरफोन के बारे में, जो कि ये वाला है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, ये मेरे पास MI का डुअल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन्स है। ये आप सभी को जो है अमेजन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। आप सभी को इसकी जो है असली प्राइस 800 देखने को मिलती है, बट अभी ऑफर वगैरह में अगर आप देखोगे तो ये 600 रुपीज़ का देखने को मिलता है। तो मैंने इसको 600 रुपीज़ में ख़रीदा था और मुझे इसे ख़रीदे जो है अप्रॉक्सीमेटली 2-3 महीने हो चुके हैं। अमेजन से मैंने ख़रीदा था इसे। यहाँ पे आप सभी को इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आप सभी को टैंगल फ्री केबल मिलता है, पर ये जो है फिर भी ऐसे उलझ जाता है थोड़ा बहुत सा। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी जो है कलर्स अच्छे दिखते हैं एंड आप सभी जो है इसको ऐसे अटैच भी कर सकते हो, मैग्नेट्स के साथ आते हैं। एंड वहीं पे बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके जो है आवाज़ की, जो ऑडियो क्वालिटी है इसकी, वो आप सभी को अच्छी देखने को मिलेगी, बेस अच्छा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आप जब इसको जो है कान में लगाओगे तो ये ना जैसे आप बहुत ही आप सभी को अनकंफर्टेबल फील होगा, उतना आपको कंफर्टेबल ये फील नहीं होगा। और हार्डली आप इसे 10 मिनट भी लगाओगे ना, तो ये जो मेरा जैसे ये राइट साइड का होगा तो राइट साइड में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है, बट ये जो लेफ्ट वाला है ये जो है मेरे कान में बहुत ही ज़्यादा जो है दर्द देता है। और यहाँ पे जो है मैं इसे 5 से 10 मिनट भी लगाता हूँ तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो जो है बार बार इसे निकालना और एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी अनकम्फर्टेबल है। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी तो है, बट ये जो है हैवी फील होता है आपके कानों में। जब अगर आप कोई ईयरफोन पहनते हो तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फील होना चाहिए, बट ये काफी हार्ड और हैवी फील होता है, जिसकी मदद से आप जो है गाना ज्यादा एंजॉय करने के बजाय इसको जो है ऐसे मतलब आप सभी को महसूस होगा कि कुछ आपने ऐसे टांग के रखा है जो कि आपके कानों में जो है दर्द दे रहा है। और वहीं पे इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, अगर आप सभी थोड़ा सा जो है वॉल्यूम ज़्यादा करके सुनोगे ना, तो नेक्स्ट डे आप सभी को जो है फॉर श्योर हेडेक आने वाला है। पता नहीं इसमें से कैसी जो है वेव्स निकलती हैं या फिर इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा इस जो है ईयरफोन के साथ में। 600 रुपीज़ का है। मैंने जो है ये आप देख सकते हो बोट का, जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो इसकी वायर्स भी अभी तक टूट चुकी हैं, बट अभी भी अच्छे से काम करता है, अच्छे कंडीशन में नहीं है। बट ये 349 रुपीज़ का ईयरफोन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कंफर्टेबल फील होता है आप सभी के जो है कानों में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और इसकी प्राइस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलती है, तो इसे आप ना ही बाई करो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर बाई भी करते हो तो इसे आप जो है कंटिन्यूसली यूज़ करके देखो, ताकि आप जो है इसे रिटर्न कर पाओ अगर कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो। क्योंकि मैंने जब इसको ऑर्डर किया था तो मैंने जो है इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया था, उसकी मदद से मैं जो है इसको रिटर्न नहीं कर पाया। तो एंड मेजर प्रॉब्लम आप सभी को ये बताता हूँ कि मैंने जो है स्टार्टिंग में इसको अपने स्मार्टफोन के साथ यूज़ किया, उसके बाद जो है मैंने इसको लैपटॉप में लगा। तो जब मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा था तो अच्छे से ही काम कर रहा था, स्मार्टफोन से भी अच्छे से जो है ये काम कर रहा था। जब मैंने इसको स्मार्टफोन में बाद में लगाया, मतलब जब लैपटॉप में लगाया, तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी मदद से ये जब मैं अपने स्मार्टफोन में लगाता हूँ तो ये वॉल्यूम को ऑटोमेटिक अप एंड डाउन करता रहता है, और गूगल असिस्टेंट को जो है चालू कर देता है, मेरा स्पॉटिफाई जो है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चलने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं इसी जो है ईयरफोन के साथ में। अब पता नहीं ये सिंगल पीस का प्रॉब्लम है या फिर सभी पीस में देखने को मिलता है। तो अगर आप सभी के पास ये है तो आप सभी अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड बाकी का तो मेरे पास जो यूनिट है उसके साथ यही है, एंड मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर पाया। वीडियो में मैंने आप सभी को जो इसको स्मार्टफोन अगर बोला हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि स्मार्टफोन का जो है स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवीज़ के ज़्यादा वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ तो वो मुँह से निकल जाता है, बट ये ईयरफोन्स ही है तो आप समझ सकते हो। एंड इसके बारे में मैंने आप सभी को कंप्लीट डिटेल्स दे दी, ठीक है। अगर ये मैं आपको बताऊं, अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था तो मैं इसे सुन रहा था, बट अब जो प्रॉब्लम है इसकी, जो गूगल असिस्टेंट ऑटोमेटिक ऑन करता रहता है और वॉल्यूम एडजस्ट करता है, स्पॉटिफाई को पीछे चलाता रहता है, तो ये सब बहुत ही जो है इरिटेटिंग हो जाती है। तो आप सभी अगर खरीद रहे हो तो पहले के 10 डेज में काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ करके सब कुछ देख लेना, ताकि आप रिटर्न कर पाओ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को
मिले, बाकी आपको इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी जो है अनकंफर्टेबल फील करा देगा आप सभी को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड जो है सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो।